राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग से ये जुड़ी बड़ी खबर है। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों के काम दिए हैं। कोरोना काल के दौरान नियम के खिलाफ मनमानी करने का भी आरोप लगा है। शिकायत करने वालों की कंपनियों के भुगतान रोकने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आरोप है। कंपनी संचालकों ने जब लोकायुक्त को शिकायत की तो जांच में अधिकारियों की पोल खुल गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा खुलासा, जहां 3 चहेती कंपनियां हैं जिन्हें अफसरों ने करोड़ों के काम दिए। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान नियमों के खिलाफ ये मनमानी देखने को मिली और शिकायत करने वालों की कंपनियों के भुगतान को रोक दिया गया, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी आरोप लगा है। इधर कंपनी संचालकों ने जब लोकायुक्त को इस पूरे मामले की शिकायत की तो जांच में अब अधिकारियों की पोल खुल गई है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, तमाम बड़े नाम भी इनमें शामिल है जिन पर यह आरोप लगा है। अपर निदेशक विद्युत महानिदेशालय का नाम भी इसमें शामिल है। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों का काम दिया है। कोरोना काल के दौरान ये नियमों के खिलाफ मनमानी करने का आरोप लगा है, जिनमें तमाम बड़े नाम भी शामिल है। कई अधिकारियों के नामों का खुलासा भी हुआ है। लोकायुक्त की जांच हुई जिसमें कई अफसरों के नाम शामिल है। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर भी आरोप लगा है, साथ ही महानिदेशालय डीके सिंह पर भी आरोप लगा है। तो लोकायुक्त की जांच में ये पोल खुली है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन किन के नाम शामिल है। जरा आपको बता दें, 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों के काम दिए हैं। शिकायत करने वालों की कंपनियों के भुगतान को भी रोक दिया गया। इधर शिकायत करने वालों की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिये, लोकायुक्त की जांच में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर भी आरोप लगा है। इधर विशेष सचिव प्रांजल यादव, संयुक्त सचिव प्राणेश चंद्र शुक्ला का नाम भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ अपर निदेशक विद्युत महानिदेशालय डीके सिंह पर भी आरोप लगे हैं। चिकित्सा विभाग के अनुभाग अधिकारी चंदन कुमार रावत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इधर कोरोना काल में अधिकारियों ने 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाया, करोड़ों का ठेका इन्हें दिया। अमित मोहन प्रसाद ने अपनी चहेती कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। लखनऊ ऑप्टिकल, सरस्वती इंटरनेशनल को करोड़ों का काम दिया। कोरोना काल में कंसर्न मेडिकल को भी करोड़ों रुपए के काम दिए गए हैं, ये आरोप लगे हैं। और ये तमाम वो नाम आप देख रहे हैं कंपनियों के, साथ साथ अधिकारियों के भी, जिन पर ये आरोप लगा है कि अपने करीबियों को करोड़ों का ठेका दिया गया, करोड़ों रुपए के काम दिए गए। अब लोकायुक्त को जब जांच की बात कही गई तब इन नामों का खुलासा हुआ है। और देखिए, शैलेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। शैलेश, पहले तो विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था और कैसे अब इस मामले का खुलासा हुआ है और अब आगे क्या कार्रवाई करने की तैयारी है। देखिए, कहीं ना कहीं जब कोरोना काल था उस समय एक बात आई थी चर्चा में बहुत, आपदा में अफसर, लेकिन शायद इन अधिकारियों ने अपने लिए ही वो अफसर देखिए तलाश लिए थे। और ये बड़े अधिकारी हैं जो कोरोना काल में, अगर बात करें तत्कालीन जो प्रमुख सचिव हैं, ये सब लोग बड़ी प्रमुख देखिए भूमिका में रहे। और अब जबकि एक हाईकोर्ट के वकील हैं महेश चंद श्रीवास्तव, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, उन्होंने शिकायत की इस मामले में कि चहेती कंपनियों को काम दिया गया, जो कंपनियां जिस काम में दक्ष नहीं थी उनको वैसे काम दे दिए गए। और इसके बाद शिकायत जो थी वो लोकायुक्त के यहाँ भी की गई और जब आगे जांच पड़ी तो कई चीजें देखिए निकलकर सामने अब आ रही हैं कि किस तरह से चहेतों को इस पूरे मामले में फायदा पहुंचाया गया। जैसे एक ऑप्टिकल कंपनी, एक ऑप्टिकल की फर्म जो थी, जो चश्मे बनाने का, चश्मे की दुकान चलाती है, उसको फायर फाइटिंग का काम दे दिया गया। आरोप लगाया गया है कि वो इस काम में दक्ष नहीं थी फिर भी काम दे दिया गया। और दूसरी चीज, जो शिकायतकर्ता है महेश श्रीवास्तव, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब इस मामले में शिकायत की गई तो उन्हीं की पत्नी रविंदर कौर श्रीवास्तव की भी एक कंपनी चलती है आर क्यूब ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको पेमेंट ही रोक दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत देखिए फिलहाल सामने आ रही है। और अगर बात करें इन अधिकारियों की, तो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो अमित मोहन प्रसाद का नाम हो जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रहे, तो उनकी अगर बात की जाए, जिस समय कोरोना काल था देखिए मीडिया से बहुत कम इंटरेक्ट करते थे, वन वे कम्युनिकेशन उस समय चला करता था, बचते थे मीडिया से बात करने में कई सवालों पर। और अब जबकि ये चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्तमान में वो एमएसएमई विभाग में है, तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। बहरहाल देखना होगा जहाँ आगे बढ़ेगी और क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं और कौन भट्टी खुलती है। ठीक है, पहले सब देखने वाली बात है क्या कुछ कार्रवाई होती है इन अधिकारियों पर जिनके नाम सामने आए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।